नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आदमी लीजिए के गाय के शेड पे आए हैं। दोस्तों, इन्होंने एक गाय से शुरुआत की थी, आज इनके पास 10 प्लस गाय है और इस गाय पालन से इन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया है। इस गाय के जो गाय का दूध बेच के इन्होंने अभी एक जेसीबी लिया है, कुछ खेत के काम भी किए हैं और ये अच्छा बिजनेस चला रहे। और इनके जो भाई है ये आप बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, लेकिन इन्होंने इसका कोई इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, खेत में काम करते रहे। अच्छा खेत में काम करके अभी इन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो इसी बारे में इस वीडियो में जानकारी जानने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम और आपका भाई का नाम बताइए। मेरा नाम समाधान युवराज आदमिले और मेरे भाई का नाम उमेश युवराज आदमिले। जी, आपने इस गाय पालन की शुरुआत कब की थी? मैंने एक गाय पालन की शुरुआत 2010 में चालू किया थी। 2010 से? 2010 में एक गाय ली थी, वो एक गाय से हम 10-12 गाय खड़े। सर, आपने ये जो शेड है, ये शेड भी बहुत अच्छा सुंदर बनाया है, इस शेड पे खर्चा कितना हुआ है? मेरा इस शेड पे 7 लाख रुपए गया है। अभी 7 लाख रुपए खर्चा हुआ है और थोड़ा शेड काम बाकी है और 1-2 लाख रुपए लगने वाले है। और ओके ओके, तो ये जो गाय है सभी ये आपने मार्केट से खरीदी है या खुद आपने शेड पे तैयार किया है? इसमें से 8 गाय मेरे शेड पे तैयार हो गए और 4 गाय मैं खरीद के लाया हूँ। जी जी जी, ठीक है। तो थोड़ा भाई के बारे में बताइए, ये जो सब है, ये गाय का जो गाय पालन का जो भी काम रहता है ये कौन देखता है? ये गाय पालन का सब जो काम है ये मेरा भाई, ये मुखबधिर भाई है, लेकिन उसका कोई मुझे खंत नहीं है, इसको दूसरा कोई काम लगाना ये मेरे ध्यान में नहीं था, इसलिए मैंने इसको ये गाय का शेड बना दिया। ये इसका जो ये काम जो करता है घास डालने का, दूध निकालने का ये पूरा काम ये खुद ही करता है। जी जी जी, तो इस भाई के साथ आपको बहुत अच्छे है। ओहो, बहुत। तो इस गाय पालन से आपने कुछ ऐसा बड़ा काम किया क्या जिससे आपको अच्छा लगेगा? ये गाय से मैंने बहुत बड़ा काम किया है। हमारे यहाँ इधर पानी पीने के लिए ये खेत में नहीं था, कम था, ये पूरा ड्राई एरिया है। जी, जी। इधर कोई आदमी आता नहीं था, ये सब ड्राई था, इधर पानी ही नहीं था। जी। ये गाय की वजह से मैंने हमारे खेत में 3-4 बोर लगाए, एक सेत तला निकाला है और एक विहीर निकाला है, और उसके साथ साथ ही मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता था, इसके सब वजह से मैंने एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर खरीदा है। जी जी, इतने काम सारे गाय पालन से किए? गाय पालन से किए। ठीक है सर, तो हमें बताइए कि किसानों को अपने खेती के साथ गाय पालन या पशुपालन क्यों करना चाहिए? किसानों को क्यों इसलिए करना चाहिए कि हमारा जो खेती में जो डालने के लिए खत होता है, खेत में खाद होता है ये खत का जरूरत होता है। और दूसरा गोष्ट ये है कि हमारा जो खेत में काम हो गया उसके बाद क्या करने का है, हर रोज पैसा हम इस खेत से नहीं मिलता। बराबर। गन्ना लगाया तो इस साल से अगले साल पैसा मिलता है, डेढ़ बरस लगता है और हर रोज का दिन का खर्चा घर का कैसा चलाना मांगता है। इसलिए हमारे यहाँ ये जो गाय पालन है ये हर युवक ने ये गाय पालन करना मांगता है और इससे बहुत फायदा होता है, खेत के लिए फायदा होता है, अपनी परिस्थिति भी अच्छी बनती है। जी, तो इसका जो बिलिंग होता है वो कितने दिनों के बाद मिलता है? ये बिलिंग हमारे को 10 दिन के बाद 11-12 तारीख को हर पेमेंट मिलता है। जी जी, अभी दूध का रेट क्या चल रहा है आपके? अभी दूध का रेट 33-34 रुपये चल रहा है, 34-35 रुपए तक चल रहा है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे किसानों को, कितना दूध का पर लीटर का रेट मिलना चाहिए किसानों को? कम से कम 40 रुपए तक मांगता है, और ये खाद्य उसका चारा ये सब निवेदन करते हो 40 रुपए कम से कम रेट मांगता है। जी जी जी, तो निश्चित ही जो भी हमारे मंत्रीगण लोग है उनको ध्यान रखना चाहिए और किसानों को अच्छी आय होने के लिए रेट बढ़ाना चाहिए। जी जी, तो जो आपकी गाय है ये दूध एक कितना लीटर तक देती है? ये हमारे गाय इधर थोड़ा ड्राई एरिया था, हमने मुझे एचएफ गाय जो हाई क्वालिटी वाली गाय नहीं ली, हमारे इधर के इधर में जो वातावरण है ये वातावरण मैच होने वाली इस गाय मैंने 1 करोड़ से खरीदी और ये इधर पाली, तो ये गाय मेरी कम से कम 11-12 लीटर दूध देती है। जी जी जी, 11-12 लीटर ये वन टाइम का देती है। तो टोटल कलेक्शन दूध का कितना हो रहा है अभी?
या अभी टोटल कलेक्शन 130 लीटर या 140 लीटर हमारा हर रोज का जाता है, दिन का, सुबह का और शाम का। जी, और पूरा आपको हर महीने का अगर खर्चा निकाल के कितना प्रॉफिट मिल रहा है? पूरा हर महीने का खर्चा निकाल कर मेरे को 70 to 80 हज़ार नेट प्रॉफिट मिल रहा है। जी जी, आप संतुष्ट है इस व्यवसाय से? हाँ, बहुत बहुत संतुष्ट हूँ, इससे मेरा बहुत प्रगति हो गया है, इससे मेरा बढ़िया काम हो गया सब। जी जी, तो आपके भाई के बारे में बताइए, आपका भाई भी बहुत अच्छा आपको साथ दे रहे हैं, जो कि स्कूल छोड़ने के बाद जा बकरी पालन हो, अभी गाय पालन है, ये सभी काम देखते हैं क्या? ये पूरा टोटल काम ये देखता है, इसका नियोजन पूरा पूरा ये देखता है, इसका घास लाने का खेत से, इसका चारा डालने का पूरा जो काम होता है, दूध डालने का, दूध डालने का, और उसमें जो पैसा निकलता है वो पैसा लाने का, मेरे पास देने का, कुछ काम हो तो मैं, हम दोनों मिल के बात, एक दूसरे के बात करके हम काम निकलते हैं। जी जी जी, ठीक है। तो ये तो उन्होंने ज़्यादा स्कूल का एजुकेशन भी नहीं किया, लेकिन वो कैसे हैंडल करते हैं जो बात, तो आपस में बात करने का या गांव में किसी को बात करने का, वो कैसे चलता है? इसका जो अपने पड़ोसी है सब, इसके साथ जो रहते हैं लोग, इसको सबको इसकी भाषा समझती है, समझते क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये सब। और कुछ दिक्कत आई तो ये मेरे को डायरेक्ट फोन करता है, वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल करके वो आदमी के पास देता है, इसको क्या बोलने का, वो मेरे को बोल के मैं इसको बात के बताता हूँ। और दूसरी हुई गोष्ट, तो ये डेयरी में गया तो उसको दूध कितना लीटर हो गया, दूध का पैसा कितना होता है, ये सब 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 जानकारी है इसको, व्यवहार में कुछ कम नहीं है, इसको सब मालूम पड़ता है। जी जी, तो आप इतनी अच्छी गाय है, उनको कुछ बीमारियाँ वगैरह होती है क्या? इसको 80% तो बीमारियाँ नहीं हमारे पास होती है, मैं उसको मिनरल मिक्सचर चारा अच्छी तरह से अच्छा देता हूँ। जी, तो बीमारियां नहीं होती? बीमारियां तो मस्टर्ड का कुछ प्रॉब्लम होता है? अभी मैंने एक गोटा बनाया, अभी हो गया था एक दो गाय को, लेकिन उसको भी मैंने कवर कर लिया है, उसको हो गया अच्छा है। ठीक है, तो जो गाय रहती है उनका गाय का दूध कैसे निकलते है अभी? और दूध का मशीन है हमारे पास, मशीन से निकलते है सब। जी जी, ठीक है, तो अभी इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, और कुछ शेड में गाय बढ़ाना चाहते हैं? और शेड में मैं कम से कम 20 गाय बढ़ाना चाहता हूँ, और अच्छे व्यवसाय करना चाहता हूँ, ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 20 गाय हो तो अच्छा हो, ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। जी जी, तो अभी जो हमारे नए युवा है जो एजुकेशन लेके बेकार पड़े, उनको क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने भी इस पशुपालन के व्यवसाय में आना चाहिए? अभी जो बेकार युवक है उसने नौकरी पीछे मत भागने का, उसके नौकरी कहीं नहीं मिल रही है, अभी 10 जगह तलाटी के निकल गया तो उसको 10,000 कम से कम फॉर्म आता है, उसको ट्राई करते करते हुए वो टाइम जा रहा है, और उसको को धड़ मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही है और खेत में भी नहीं काम कर रहे, वो अभी मुझे टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए उनको एक दो ट्राई करना मांगता है, बाद में नहीं यश फल मिला तो बाद में उनको ये करना मांगता है, कम से कम जो क्या अपने खेती तो हो जाएगी और ये व्यवसाय तो हो जाएगा गाय पालन का। जी जी जी, चारा आप कितने बार डालते हैं इनको? उसको सुबह हम 7:30-7 बजे एक बार डालते हैं, और शाम को 7:30-7 बजे। और उनको हर एक गाय को कितना चारा देते हैं? हर एक गाय को एक हमारा एक टब है उधर, कम 15 किलो तक। जी जी, ठीक है, तो चारे में क्या क्या आपके खेत में है अभी? हमारे इधर खेत में एक गन्ना है, और एक घास है, और एक मक्का। ओके, सुखा चारा में कड़बा, ज्वार का कड़बा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप इन गायों से 80,000 तक महीना कमा रहे हैं? हाँ। तो अभी संतुष्ट है आप? आप बहुत संतुष्ट हो अभी, मुझे अच्छा हो गया ऐसे। ओके, तो दोस्तों ये थे आदमी लीजिए और इनका भाई, जो कि अच्छा पशुपालन कर रहे हैं और हर महीने 80,000 तक की कमाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।